तो ये तो हो गई टोटल कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग के बाद मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पे बजाज हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फाइनली लद्दाख सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब टाइम है डोमिनार की सर्विस कराने का। तो आज मैं जा रहा हूँ डोमिनार की सर्विस कराने के लिए। यहाँ नोएडा के सेक्टर 63 में ये एक सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जा रहा हूँ। लद्दाख राइड में मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम भी फेस हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी भी ख़राब हो रखी हैं, क्योंकि लद्दाख टाइम में ख़राब हुई थी। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाता हूँ, क्या कॉस्टिंग आती है, कितने की वो सब चीज़ें बदलती है, क्या सर्विस कॉस्ट आती है, कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे आगे चल के आप दिखाते हैं, सर्विस कराते हैं। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। एक दिन मैंने इसमें थोड़ा पानी तो मार दिया था, बट फिलहाल लद्दाख के बाद इस पर ना कोई राइड की है ठीक ठाक और ना ही इसकी सर्विस हुई थी। चलते हैं सर्विस कराने के लिए। तो अपनी बाइक चल चुकी है 7044 और इसमें सर्विस का अलार्म भी आ रहा है, तो फिलहाल सर्विस कराएंगे। और उसके बाद यहाँ पर इसमें क्या है कि जो डिपर है वो भी ख़राब हो रखा है, डिपर की लाइट फ्यूज़ हो गई है या कुछ और प्रॉब्लम है वो एक बार दिखानी है, क्योंकि लद्दाख के टाइम पे ही ख़राब हो गई थी। यहाँ से जा रहे थे तभी रास्ते में हो गई थी ख़राब। उसके अलावा और भी एक दो चीज़ें हैं, एक तो ब्रेक शू चेक कराऊंगा। वैसे तो डोमिनार की रियर ब्रेक लगती ही कम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ब्रेक शू चेक कराऊंगा, क्योंकि इसकी तो कुछ ज़्यादा ही कम लगती है, सिर्फ फ्रंट ब्रेक पे ही डिपेंड रहता हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट फिलहाल इसको अच्छे से वॉश कराएंगे, सर्विस कराएंगे। लद्दाख राइड में फ्लैग लगा लिया तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। यहाँ पे मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो है KD बजाज नोएडा में, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी सर्विस कराई थी वो कानपुर में ही कराई थी, क्योंकि मैंने बाइक भी वहीं से ली थी, बट अभी मैं यहाँ शिफ्ट कर गया तो इधर कराऊँगा। अब देखते हैं कहाँ पे KD बजाज, एक बार गूगल पे भी डालूंगा। वैसे जो एड्रेस बताया है H14 सेक्टर 63 में है। अपॉइंटमेंट मैंने कल ही बुक कर दी थी, कल ही उनको बता दिया था कि मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा। गूगल मैप पे लगा दिया, KD बजाज दिखा रहा है 9 मिनट। बहुत दिनों से बाइक चलाई नहीं है तो एक तो गंदी भी हो रखी है और थोड़ी हैवी लग रही है, मतलब अपनी स्मूथ नहीं चल रही है, क्योंकि सर्विस को काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से भी हो सकता है हैवी चल रही हो, क्योंकि ये मेरी थर्ड सर्विस है। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट कराई थी वो सचपास से पहले कराई थी, सेकेंड सचपास के बाद कराई थी जो फिर लद्दाख गया था, और जो सेकंड सर्विस हुई थी उस समय उन्होंने इंजन ऑयल वगैरह चेंज नहीं किया था, क्योंकि मैंने डलाया था मोटुल का। तो उन्होंने ये बोला था, सर्विस सेंटर जो कानपुर में था उन्होंने ये बोला था, आपने मोटुल का इंजन ऑयल डलवाया हुआ है जो कि इतने जल्दी चेंज नहीं होता, को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने उस समय नहीं कराया था, तो मुझे लगता है अगली बार चेंज कराऊंगा। अगर यहाँ पे मोटुल मिल गया तो मैं मोटुल ही डलाऊंगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बाकी बजाज वाले तो अपना खुद का एक इंजन ऑयल डालते हैं, जो कि मुझे उतना खास नहीं लगा, उतना सही नहीं लगा। तो सामने ये एक मिनट पे दिखा रहा है। डोमिनार की एक चीज़ अच्छी है कि इसकी रोड साइड प्रेजेंस बहुत सही है, अगर आप निकलते हो तो लोग देखते ज़रूर हैं इसको। सर्विस इसकी एक बार ये लाइट चेक करना भैया, बस सिर्फ डिपर की ही प्रॉब्लम है। पहले वो बता दो मुझे जरा कॉस्टिंग कितनी आएगी। वॉश हो गई अपनी बाइक, ये साफ नहीं हो सकता क्या? ये देखो, ये सही से साफ नहीं करी है, देखो तो क्लीन करी है, लेकिन क्लीन करने के बाद बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुई है, तो एक बार बोला भैया को। ये देखो पूरा ये इधर ये सब जो है ना, ये एक बार मार दो, बाकी सर्विस के बाद करा दे। सर्विस में भी गंदा करता है ना, बाहर निकलता है, चलाता है, चेक करता है, तेल जैन जो लुब्रिकेशन करता है उसका पूरा आ जाता है। अभी भी ये चल सकता है मुझे लग रहा है ना, ये कलर ही ऐसा है। अच्छा, ये कलर ही ऐसा दिख रहा है, अरे खराब हो चुका है, बट ये ऑयल अच्छा रहता है मोटर का। हाँ, ये बजाज का इंजन ऑयल जो इसमें पड़ेगा, बजाज DTSI। तो अभी सर्विस हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन एक इसमें प्ले की प्रॉब्लम बताई है। अभी चला के देखी है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा प्ले हो रहा है गियर छोड़ने पे, तो इसकी वजह से अभी दोबारा इसमें इन्होंने बताया अभी अंदर रबर पड़ेगी, तो एक बार और करवाता हूँ, देखता हूँ क्या है। वो कह रहा है जब गियर डालना हो तो गियर डालने पे हल्का सा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो वो उसके लिए इन्होंने बताया कि वो इसमें हल्का सा प्ले है और चेंज करके वो प्ले सही हो जाएगा। तो देखते हैं रबर डलाते हैं। तो ये जो रबर होती है ये शायद लूज़ हो रखी है, जिसके लिए इन्होंने बताया, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब चेंज कराएंगे। चाबी ले ली आप? चाबी गाड़ी में है ना? हाँ, गाड़ी में ही है भाई। वो पार्ट तो मिला नहीं और सर्विस हो गई है, नेक्स्ट टाइम चेंज करवाएंगे। फिलहाल इसकी कितनी कॉस्टिंग आई वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये ज़रूर हटा देना, ये जो निशान पड़े हैं ये इसके हैं, टेप लगा था जो
नहीं ली थी जब। हाँ पेट्रोल डाल लो जो चाहिए ले लो। A few moments later. फाइनली सर्विस हो गई है और अब निकलते हैं यहाँ से। फाइनली सर्विस करा के आ चुके हैं और बाइक बहुत स्मूथ चल रही है। इसके ब्रेक शू वगैरह सब चेक करा लिए, डिपर लाइट वगैरह सब सही हो गई है। उसमें उन्होंने बताया कि एक कपलर निकला हुआ था जिसकी वजह से वो डिपर काम नहीं कर रहा था। और जब भी खड़ी करो न्यूट्रल पे करके करो, एकदम नई जैसी फीलिंग आ रही है ना। पॉलिश कराई है तो बात अलग है। पॉलिश भी हो गई, प्रॉपर सर्विस भी हो गई। फिलहाल कवर डालते हैं जिससे ये नई मेंटेन बनी रहे। ओए कवर तो बहुत गंदा हो रखा है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ी। तो टोटल सर्विस कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो पड़ी है 2025 की, जिसमें से 1287 पड़े हैं स्पेयर्स के और 738 पड़े हैं लेबर कॉस्ट। इसमें बजाज का जो DTSI ऑयल था वो 1.2 लीटर 950 रुपीज़ का था। उसके बाद 100 ml और डाला था क्योंकि डोमिनार में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, 254 का पड़ा था। उसके बाद एक ओरिंग पड़ी और ऑयल फिल्टर पड़ा, ऑयल फिल्टर दिया था 78 रुपीज़ का। उसके बाद अब बात करते हैं लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस जो टोटल सर्विस कॉस्ट थी वो थी 590 रुपीज़। उसके बाद चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग का इन्होंने अलग से लिया 148 रुपीज़। तो टोटल जो हो गया 2000 रुपीज़ के अप्रॉक्स हो गया 2025। तो ये हो गई टोटल कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग के बाद मैं एक चीज़ बता देता हूँ। वहाँ पे बजाज के शोरूम में मैंने एक चीज़ देखी थी कि डोमिनार में जो नॉर्मली हम विंडशील्ड लगाते थे या हैंड गार्ड लगाते थे या उसके बाद पीछे लगेज के लिए या बैक रेस्ट लगाते थे, वो सारी चीज़ें अब डोमिनार जो न्यू डोमिनार आ रही है उसमें वो लोग खुद ही दे रहे हैं। नॉर्मली इसके स्पेयर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, बट ये जो चीज़ें इन्होंने लॉन्च की हैं जो गाड़ी के साथ असेंबल करके दे रहे हैं बहुत ही कम रेट पे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें ये कितने की दे रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।